नमस्कार, मैं हूं प्रशांत कटारी और वक्त हो गया है हमारे वीकेंड स्पेशल अलार्म का। आज बात एक ऐसे मुद्दे की जो आम लोगों से जुड़ा हुआ है। मुद्दा है शमशान। जी हां, मुक्तिधाम में अतिक्रमण के मामले शहर शहर में हैं। अतिक्रमण के कारण मुक्तिधाम की जमीन घट रही है और परेशानी लोगों को हो रही है। कई बार शिकायत भी की गई, हर बार प्रशासन टाल मटोल करता दिखता है। लेकिन अब जिम्मेदारों को जवाब देना होगा, जनता के सवालों का सीधा जवाब। अब नहीं चलेगी कोई हीला वाली, अब नहीं चलेगी टाल मटोल। कब्रिस्तान का हाल शहर शहर बेहाल है। राजधानी भोपाल हो या फिर एमपी का कोई और शहर, हर जगह शमशान की जमीन पर कब्जा है। और कब्जा आज से नहीं बल्कि सालों से चला आ रहा है। ऐसा नहीं है कि लोगों ने शिकायत ना की हो, शिकायत भी की गई, कई बार प्रशासन को बताया गया, लेकिन हाल ढाक के तीन पात। लोग परेशान हैं और प्रशासन बेखबर। क्यों दबंगों पर कार्रवाई नहीं की जा रही है, क्यों प्रशासन जिम्मेदारी से भाग रहा है, देखिए रिपोर्ट। अतिक्रमण का जाल, शमशान भी बेहाल, लोग परेशान, प्रशासन क्यों अनजान। सुनो सरकार, कैसे हो अंतिम संस्कार। मुक्तिधाम कब होंगे मुक्त। मध्य प्रदेश में भूमाफिया सक्रिय हैं। दबंगई दिखाते हुए भूमाफियाओं ने कब्रिस्तान, मुक्तिधाम की भी जमीन तक को नहीं छोड़ा। अतिक्रमण का जाल अब शमशान तक फैल गया है। सरकारी जमीन के साथ साथ लैंड माफिया की नजर अब कब्रिस्तान और शमशान पर है। हम भोपाल के शांति नगर इलाके में स्थित कब्रिस्तान मलकुन भी पर हैं। अभी लैंड माफिया ने धीरे धीरे करके यहाँ भी अपना कब्जा जमाना शुरू कर दिया है। हम चारों तरफ देख सकते हैं कि उस तरफ से लैंड माफिया। सालों से कब्रिस्तान की देखरेख करने वाले जमील खान बताते हैं कि भोपाल में 130 कब्रिस्तान हुआ करते थे, अब महज 15 से 20 बचे हैं। कई बार शिकायत की गई, लेकिन प्रशासन ने कोई सख्त कदम नहीं उठाया। स्टेशन वाला कब्रिस्तान भी गया हमारा, अतिक्रमण में ले लिया। स्टेशन पे भी कब्रिस्तान है हमारा, और सिंधी कालों के पीछे दो कब्रस्तान थे, वो भी सब कब्जे में चले गए। जितने भी भोपाल के कब्रस्तान हैं, 130 कब्रस्तान बचे थोड़े से हैं, बाकी हुए सब पे कब्जे हो गए लोगों के। कोई गाड़ियाँ खड़ी करता है, कोई शराबें पीता है जान के कब्रस्तान के अंदर, कोई जुआ खेलता है कब्रस्तानों के अंदर जान के। यानी कि ये सारी बातें कब्रस्तानों के अंदर होने लगी हैं। अब कुछ ऐसा ही हाल खरगोन का है, जहाँ शमशान में अतिक्रमण कर रहे लोगों ने मकान बना लिए हैं। जमीन पर कब्जा कर पट्टा लेने की भी बात कही जा रही है। शिकायत के बाद भी कोई सुनवाई नहीं हो रही। यहाँ पर दादागिरी करते हैं, मारने को खड़े हो जाते हैं। यहाँ साफ सफाई करने के लिए आते हैं, हम वृक्षारोपण करना चाहते हैं, बाकी हमको यहाँ मारा जाता है। और झूठे मतलब यहाँ पे सब ट्रैक्टर ने ये खड़े करके ना पूरा अतिक्रमण कर रखा है। अच्छा। लोगों ने मतलब अति कर रखी है कि मरे हुए इंसानों की जमीन को भी जिंदा इंसान खा गए हैं, तो वो पूरी तरह से गलत है। प्रशासन ये सोचता है कि ठीक है, चल रहा है तो चलने दो। ये नाथ योगी समाज की 100 साल पुरानी समाधियां हैं, जिसको कि अतिक्रमणकारियों ने तोड़ दी है, और 30 से 40 साल पुराने हमारे पूर्वजों की भी समाधियां हैं जिसपे अतिक्रमण कर रखा है। और प्रशासन ने पट्टे देके और अतिक्रमण उसको उसको मकान बना दिए और पट्टे दे दिए सरकार ने। तहसीलदार का कहना है कि जमीन पर कब्जे का मामला सामने आया है, अतिक्रमणकारियों पर कार्रवाई की जाएगी। आपके माध्यम से अतिक्रमण की ये जो हमें संज्ञान में आया है, इसको मैं प्रायोरिटी में लेके जांच करवाऊंगा, आरआई और पटवारी को भेज के, फिर विधि अनुसार विधि सम्मत कार्रवाई करेंगे। शमशान में अतिक्रमण को लेकर मंत्री राकेश शुक्ला ने कहा कि सभी मुक्तिधामों को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से मिलकर चर्चा की जाएगी। मुक्तिधाम अतिक्रमण मुक्त होना चाहिए,
इसमें जो भी बीच में रुड़ा है, चाहे वो कोई भी हो, कोई भी ताकत हो, हम उसको पूरी गंभीरता के साथ अतिक्रमण मुक्त मुक्ति धाम को कराएंगे। पूरे प्रदेश में यह अभियान चलाएंगे आप अभी तो? हम माननीय मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन करेंगे और माननीय भारतीय जनता पार्टी की सरकार की भी पूरी मंशा है कि मुक्ति धाम अतिक्रमण मुक्त होना चाहिए। मुक्ति धाम कब अतिक्रमण से मुक्त होंगे, ये बड़ा सवाल है। साथ ही मंत्री राकेश शुक्ला की ओर से इसको लेकर क्या कुछ किया जाता है, ये भी देखने वाली बात होगी। भोपाल से शिवकांत आचार्य और खरगोन से आशुतोष पुरोहित के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ एटी। तो ये हालात केवल राजधानी भोपाल के नहीं बल्कि कई और दूसरे शहरों के भी हैं जहां शमशान कब्रिस्तान पर या उनकी जमीनों पर अवैध कब्जा शुरू हो गया है। और जानकारी के साथ न्यूज़ एटीन संवाददाता आशुतोष पुरोहित हमारे साथ जुड़ गए हैं खरगोन से। आशुतोष, खरगोन की स्थिति बताइए, आखिर शमशान कब्रिस्तान या इस तरह की जो भूमि है, क्या स्थिति है उनकी? कितने कब्रिस्तान सब शमशान घाट मंदसौर में थे और अभी ताजा हालात क्या हैं? प्रशांत, मैं आपको बताना चाहूंगा, खरगोन जिला मुख्यालय है, जिला मुख्यालय पर ही बीटीआई रोड जो पास इलाका माना जाता है, यहां पर बच्चों का शमशान घाट, हिंदू बच्चों का जो अंतिम संस्कार होता है, नाथ गोस्वामी समाज के जो लोग हैं उनकी समाधि ली जाती है, उसका ये शमशान घाट है। शहर में शमशान घाट को भी लोगों ने नहीं छोड़ा है, अतिक्रमण है लगातार, लोगों के द्वारा विशेष रूप से नाथ गोस्वामी समाज के द्वारा लगातार शिकायतें की जा रही है, लेकिन प्रशासन, जैसे अभी हमारी न्यूज 18 की बातचीत हुई तहसीलदार, जो नवगत तहसीलदार है, उनका कहना है कि आपने मामला संज्ञान में लाए, इसकी जांच कराएंगे, जांच के बाद कार्रवाई करेंगे। प्रशांत, हमारे साथ कुछ लोग भी शमशान घाट पे ही मौजूद है, आइए मैं उनसे जानता हूं सर कि ये जो अतिक्रमण है क्या कहना चाहेंगे आप? ये प्रशासन का बिल्कुल भी इस ओर ध्यान नहीं है। हम वर्षों से इस ओर प्रयासरत थे कि यहाँ पर अतिक्रमण मुक्त कर दिया जाए, लेकिन उल्टा प्रशासन ने यहाँ पर पट्टे की जमीनें अलॉट कर दी है और आप देख सकते हैं कि पीछे मकान भी बने हुए हैं। प्रशासन बस निष्क्रिय सोया हुआ है, जब जगाते हैं थोड़ा बहुत जाग जाता है, वापस सो जाता है। हम ये चाहते हैं कि यहाँ का अतिक्रमण हटाया जाए और इसका सौंदर्यीकरण किया जाए, क्योंकि शहर का एकमात्र हिंदू समाधि स्थल है जहाँ पर नाथ समाज की समाधियाँ दी जाती है और बाल समाधि दी जाती है, हिंदू धर्म में बच्चों को समाधि दी जाती है जो यहाँ पर दी जाती है। एकमात्र समाधि स्थल की भी अनदेखी सरकार द्वारा की जा रही है, मतलब कुल मिला के अनदेखी की जा रही है। ये कब से है और अतिक्रमण कब से चला आ रहा है, कब से आप लोग शिकायत कर रहे हैं? हम 80 दशक से शिकायत कर रहे हैं और ये समाधि स्थल तो होल्डरों के टाइम से विद्यमान है और आज भी होल्डरों के टाइम से समाधि यहाँ पे आज भी विराजमान है और नाथ गोस्वामी समाज द्वारा भू समाधि देने की परंपरा है और हिंदू समाज के सभी बच्चों की समाधि यहाँ पे दी जाती है। होलकर के जमाने का ये जो है समाधि शमशान घाट है और यहाँ पे शमशान घाट को भी लोगों ने नहीं छोड़ा। प्रशांत, तो बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि जो शमशान घाट है शहर के मध्य है। दूसरा एक सवाल और भी है आशुतोष, सवाल ये कि एक तरफ शमशान घाट या फिर जो मुक्तिधाम है उनकी जमीन पर अवैध कब्जा हो रहा है, दूसरी तरफ लोग बता रहे हैं कि इसमें प्रशासन की भी सहभागिता है, जमीनें कब्जा कर पट्टे दे दिए गए, क्या प्रशासन बेखबर है या जो ऊपरी स्तर पर कोई मॉनिटरिंग नहीं हो रही, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है? घाट है, यहाँ पर पिछले दिनों लोगों ने कब्जा किया था और कब्जा करने के बाद यहाँ पर राजनीतिक संरक्षण के चलते हुए, चुनाव को देखते हुए, वोट बैंक की राजनीति के चलते हुए यहाँ पर जो है पट्टे तक वितरित कर दिए गए। यही सवाल यहाँ उठ रहे हैं, हमारी इस बारे में प्रशासन से बातचीत हुई, नवगत तहसीलदार है, नवगत SDM है, दोनों से बातचीत हुई, उन्होंने कहा है कि दीपावली के त्यौहार के बाद हम पूरी जांच कराएंगे और जांच के बाद जो आपने न्यूज 18 ने जो विषय को संज्ञान में लेके आया है इसकी जांच होगी, जांच के बाद कार्रवाई करेंगे। तो ये सवाल उठ रहा है, लोग क्या मानते हैं आप, जैसे यहाँ पे पट्टे भी दे दी गए, ये तो बड़ी बात है ना, क्या कहना चाहेंगे? ये तो गलत है क्योंकि ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे इसमें लेडीज हो, जेंट्स हो, बूढ़ा हो, सभी को यहाँ समाधि दी जाती है, हमारे इसमें जलाओ अलाउ नहीं है, इसी के लिए हम आए हैं कि अतिक्रमण नहीं होना चाहिए। अब देखो, हमने बहुत बार कंप्लेन भी करी है लेकिन उसका कुछ नहीं हुआ, अब न्यूज 18 के माध्यम से हम कुछ कर रहे हैं ताकि ये भी ध्यान दे। तो प्रशांत, देख सकते हैं लोग लगातार शिकायत कर रहे हैं लेकिन शिकायत के बाद भी लोगों का ऐसा कहना है कि कोई कार्रवाई नहीं हो रही, हालांकि प्रशासन अब आश्वासन दे रहा है कि संज्ञान में आपने लाए, इस विषय की जांच कराई जाएगी और कार्रवाई करेंगे। प्रशांत, आशुतोष, किस किस प्लेटफॉर्म पर इन लोगों ने शिकायत की है, थोड़ा ये भी इनसे पूछिएगा। दूसरा ये कि प्रशासन या जो जिम्मेदार है वो क्या कह रहे हैं कि आप भाई सिस्टम के जरिए, प्रशासन के जरिए ही क्यों
कब्जा कर लिया गया अवैध। जैसे यहाँ पर ये जो शमशान घाट की जमीन थी, आपने कहाँ कहाँ शिकायत की और ये पट्टे कैसे वितरित हो गए हैं? असल में क्या है कि जो भी समाधि स्थल होते हैं वो सरकार उसको अपना मान लेती कि सरकारी भूमि पर है। यही कारण यहाँ पर भी रहा कि जैसे कोई व्यक्ति यहाँ पे बसने के लिए आया, सरकार ने देखा कि खाली पड़ी है, पट्टा अलाट कर दिया, क्योंकि सरकार के नियमानुसार जिसके पास में कोई भूमि नहीं है उसे कहीं पर भी खाली जगह दिखने पर वो पट्टे अलाटमेंट कर देते हैं। पर ये तो होलकर के जमाने से समाधि है, शमशान घाट है, तो फिर कैसे ये हो गया? मानते हैं राजनीतिक संरक्षण है? बिल्कुल बिल्कुल राजनीतिक संरक्षण है यहाँ पर, लेकिन इसके पहले अभी साल डेढ़ साल पहले यहाँ पे बाउंड्री वॉल बनी है, इसके पूर्व कोई बाउंड्री वॉल भी नहीं थी फ्रंट पर, तो ये खुला था। वो खुला था इस वजह से यहाँ पे अतिक्रमण करना बहुत आसान था। हमने प्रशासन को पहले बोला कि इसको बाउंड्री वॉल बना करके इसको सौंदर्यीकरण कर दे, लेकिन उन्होंने हर बार बजट का हवाला देकर अनदेखा कर दिया कि हमारे पास बजट नहीं है। अभी एसडीएम और तहसीलदार जो है नवागत है वो कह रहे हैं कि जांच कराएंगे और कार्रवाई करेंगे, क्या लगता है आपको, उम्मीद लगती है क्या? जैसे न्यूज 18 ने भी इस मुद्दे को उठाया, न्यूज 18 को हम धन्यवाद देना चाहेंगे, उन्होंने इस मुहिम को आगे बढ़ाया है, लेकिन जब तक हम लोग जागे हुए हैं, जब तक न्यूज 18 जागा हुआ है तब तक प्रशासन जागा हुआ है। लेकिन न्यूज 18 लगातार मुहिम भी चला रहा है, लेकिन आम जनता की भी जिम्मेदारी है यहां पर। बहुत शुक्रिया आशुतोष आपका पूरी जानकारी के लिए, धन्यवाद। और जो हाल राजधानी भोपाल और खरगोन का है वही हाल मंडला और सिवनी जिले का भी है। यहां भी मुक्तिधाम की जमीन पर दबंगों ने कब्जा कर रखा है, अतिक्रमण कर लोगों ने मकान तक बना लिए हैं। सबसे बड़ी बात, कई लोगों ने मकान बनाकर जमीन का पट्टा भी ले लिया। उधर लोग अतिक्रमण को लेकर प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से शिकायत करते करते थक गए। धीरे धीरे अतिक्रमण के चलते मुक्तिधाम की जमीन कम होती जा रही है। ये तस्वीरें मंडला की हैं, जहां मुक्तिधाम की जमीन पर कब्जा कर लोगों ने मकान बना लिए हैं। जगह जगह गंदगी का अंबार लगा हुआ है। अतिक्रमण का मकड़जाल लगातार फैलता जा रहा है शहरों के साथ ही, अब लोगों की नजर मुक्तिधाम पर भी है। मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा मंडला जिले के विछिया विकास खंड के वार्ड नंबर 2 पर, जहां पर मुक्तिधाम बना है। यहां पर जो विछिया विकास खंड है, यहां के सभी लोग इसी मुक्तिधाम पर अंतिम संस्कार करने के लिए आते हैं, जहां पर अब अतिक्रमण की लगातार फैलता जा रहा है। आप देख सकते हैं कि जो मुक्तिधाम है वहाँ से करीब सटे हुए कई मकान ऐसे हैं जो मुक्तिधाम की ओर लगातार बढ़ते जा रहे हैं। लोगों का कहना है कि जनप्रतिनिधियों को कई बार इसके बारे में बताया, लेकिन ना तो जनप्रतिनिधियों ने और ना ही प्रशासन ने कोई एक्शन लिया। बहुत सी भूमि वहां आसपास की अतिक्रमण हुई है, वहां पीएम आवास भी बने हैं। इसमें मतलब मेरी ऐसी मांग है, मैं चाह रहा हूं कि इसमें प्रशासन एक कार्रवाई करे। ऐसे स्थानों पर स्पेस चाहिए, साफ सफाई चाहिए और अतिक्रमण मुक्त चाहिए, ताकि ये जो स्थान है हमारे नगर के लिए जो है भविष्य के लिए भी उपयोगी रहते हैं, तो उसमें कार्रवाई होना चाहिए। कुछ ऐसा अतिक्रमण हो रहा है, मैं इसकी जांच करवा लेता हूँ। यदि शासकीय भूमि पर अतिक्रमण करके रखा होगा किसी को, तो उसको नियमानुसार जो भी इनको हटाने की कार्रवाई होगी वो हमारे द्वारा की जाए। अब बात सिवनी की, जहाँ मुक्तिधाम की जमीन पर लोगों ने कब्जा कर रखा है। सालों से दबंगों ने मुक्तिधाम की जमीन पर अतिक्रमण कर रखा है। ग्रामीण अतिक्रमण को लेकर स्थानीय प्रशासन से लेकर हाई कोर्ट तक का दरवाजा खटखटा चुके हैं। ये जो अतिक्रमण आप पीछे देख रहे हैं, ये लगभग 10-15 सालों से है। यहाँ से सिवनी के न्यायालय से भी ग्रामीण जनों ने मतलब केस लगाए थे, वो जीत भी चुके हैं। अब इसका जो लंबित प्रकरण है वो जबलपुर में लंबित है, अभी चल रहा है वहाँ। तो पता नहीं ये लोग कैसे स्टे लगा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, शासन क्यों स्टे दे रही है, क्योंकि ये सरकारी जमीन है और शमशान भूमि की है, तो ये तो स्वतंत्र होना चाहिए। करीबन 8-10 साल से यहाँ पे कब्जा है। हम ये सोचते हैं, हम ये चाहते हैं कि कब्जा हटना चाहिए जो मतलब अतिक्रमण किए हुए हैं। ये सिर्फ मंडला और सिवनी की ही कहानी नहीं है, प्रदेश भर में शहर शहर यही कहानी है। मुक्तिधाम अतिक्रमण की जद में है और प्रशासन सब कुछ जानते हुए भी अनजान बना हुआ है। मंडला से कृष्णा साहू और सिवनी से अजहर खान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18।
तो मंडला और सिवनी के मुक्ति धामों का हाल भी हमने आपको इस रिपोर्ट के जरिए बताया कि आखिर कैसे अवैध कब्जा हो रखा है। बावजूद जो अवैध कब्जाधारी हैं उन्होंने स्टे भी ले लिया, यानी कि अभी भी वो अवैध संपत्ति वहां से हटाई नहीं जा सकी है। सीधा रुख करेंगे मंडला का, जहां न्यूज 18 संवाददाता कृष्णा साहू हमारे साथ जुड़ गए हैं। कृष्णा, मंडला का हाल एक बार फिर बताइएगा, आखिर कैसे और ये अवैध कब्जा हो गया। दूसरा ये कि क्या प्रशासन ने अनदेखा कर दिया या फिर शिकायत को अनसुना कर दिया गया? कृष्णा जी बिल्कुल, प्रशांत बताना चाहूंगा, जो मुक्ति धाम है मंडला जिला समेत जो आसपास के इलाके हैं वहां पर भी जो मुक्ति धाम है वहां पर अतिक्रमणकारियों ने अपने पंख पसार लिए हैं और अब मुक्ति धाम पर ही कब्जा करने लगे हैं। लेकिन आबादी यहां पर बढ़ती जा रही है, लेकिन यहां पर जो मुक्ति धाम है उसकी जो क्षेत्र है वह घटता जा रहा है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम उनसे ही बात करते हैं कि आखिर कैसे किस प्रकार से अतिक्रमण मुक्ति धामों पर होता जा रहा है। सबसे पहले मुक्ति धाम जो महाराजपुर है वहाँ पे अतिक्रमणकारियों ने कब्जा कर रखा है, कैसे? महाराजपुर ज्वालाजी वार्ड में मुक्ति धाम है, बहुत पुराना मुक्ति धाम है, वहाँ पे लोग लगातार कब्जा करते जा रहे हैं। वो लगभग 1.5 एकड़ जमीन है और अभी ऑन द स्पॉट में लगभग 0.5 एकड़ जमीन बची है। और आपको बता दूँ कि लोगों के पास दौलत सौरत कितने दौलत था जाए सौरत हो जाए, पर मरने के बाद उसको मुक्ति धाम ही जाना। और मुक्ति धाम हर जिलों में प्रदेश में कहीं देखेंगे तो छोटे छोटे मुक्ति धाम होते हैं। अब लोग छोटे छोटे मुक्ति धामों को कब्जा करते जाएंगे तो फिर आदमी जाएगा कहाँ से? तो शासन प्रशासन को चाहिए कि शीघ्र जो मुक्ति धामों जो कब्जा उन्हें छुड़ाए उन्हें। आप कब्जा होता जा रहा है, लगभग 150-200 साल पुराना मुक्ति धाम है। शासन की तरफ से वहाँ 1.5 एकड़ जमीन अलॉट की गई थी और वहाँ कोई भी रहवासी नहीं था, लेकिन दिन प्रतिदिन वहाँ कब्जा होता जा रहा है। आखिर यह किसकी सह पर हो रहा? कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार व्याप्त है। अधिकारी क्या कर रहे हैं, कर्मचारी क्या कर रहे हैं और दिन प्रतिदिन वहाँ भ्रष्टाचार होते जा रहा है। जरा सी जमीन बची, मेरे ख्याल से मुश्किल से 10-15 डिसमिल से ज्यादा जगह नहीं बची जहाँ 1.5 एकड़ जमीन थी। आप बिल्कुल प्रशांत देखिए कि किस प्रकार से अतिक्रमण होता जा रहा है मुक्ति धामों पर और मुक्ति धाम से कब्रिस्तान पर भी अतिक्रमण हो रहा है। हमारे साथ भाई जान मौजूद है, आइए हम बात करते हैं। मैं अब्दुल गफ्फार कुरैशी, यहाँ कब्रिस्तान का प्रेसिडेंट हूँ, पिछले 5-6 सालों से काम कर रहा हूँ। हमारी जो टोटल रकबा है कब्रिस्तान का 4.427 हेक्टेयर है, लगभग 12.5 एकड़ जमीन थी। फिर मैंने अभी सीमांकन कराया तो अब हमारे पास लगभग 7 या 7.5 एकड़ जमीन बची है, बाकी सारी जमीन पर अतिक्रमण हो चुका है। और हमने जिला प्रशासन को और भोपाल वक्फ बोर्ड को कई बार लिख के दिए मगर कोई कार्रवाई नहीं होती। और साथ में जो सीवर लाइन है वो सीवर लाइन भी हमारी कब्रिस्तान के अंदर से निकाली गई है, जो कि हमसे पूछे भी नहीं है और जबरदस्ती कब्रों को फाड़ती हुई सीवर लाइन निकली है और कहीं से भी कोई मतलब अच्छी उम्मीद नजर नहीं आती कि अतिक्रमण है। इसकी शिकायत की है कि जो जिस प्रकार से कब्रिस्तान में जो अतिक्रमण हो रहा है उसको लेकर आपने? हाँ हाँ, बहुत बार मैंने SDM कार्यालय को किया है, तहसीलदार को किया है, कलेक्टर महोदय को किया है, वक्फ बोर्ड भोपाल को किया है, आयुक्त को किया है और लगभग जहाँ जहाँ था मैं कर चुका हूँ, क्योंकि वो वक्फ संपत्ति जो है नोटिफाइड संपत्ति है और 4.427 हेक्टेयर है और ये ग्राम क्या हुआ अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई और चारों तरफ से अतिक्रमण हो चुका है। हमारे साथ और भी है प्रशांत, हम बात करते हैं कि अतिक्रमण हो रहा है मुक्ति धामों में कब्रिस्तानों में, लगातार जो माफियां हैं वो अपने पंख पसार रहे हैं और मुक्ति धामों को भी निचोड़ रहे हैं। जी हाँ, मैं सुरेंद्र सिंह सिरस्याम, मंडला नगर से लगा हुआ जो महाराजपुर है, महाराजपुर में एक ज्वालाजी वार्ड है, वहाँ पे मुक्ति धाम जो है प्राचीन काल से इसको देखा जाए तो स्वतंत्रता देश की स्वतंत्रता से पहले 1927-28 के रिकॉर्ड में भी वहाँ पे वह जो भूमि है मुक्ति धाम की भूमि वह दर्ज है। और जिस प्रकार से यहाँ की जो शासन प्रशासन की जो लापरवाही देखा जा रहा है उसके लापरवाही के चलते वहाँ पे मुक्ति धाम पे जो कब्जा है वह कब्जा लगातार कब्जा वहाँ पे बढ़ता जा रहा है। और जिस प्रकार से वहाँ पे जो मुक्ति धाम में कब्जा है वहाँ पे सब्जी लगाने के लिए कब्जा किया जा रहा है, कोई मकान बनाने के लिए कब्जा किया जा रहा है, इसकी जो है वहाँ पे स्थानीय जनता के द्वारा जिला प्रशासन व अनुविभागीय अधिकारी के पास में लगातार शिकायत करते हुए भी यहाँ की जो प्रशासन की जो व्यवस्था है वह चरमराई नजर आ रही है। और वहाँ की जो मुक्ति धाम है वह मुक्ति धाम के लिए वहीं के जो लोग हैं, कुछ लोग हैं जिनके द्वारा वहीं आपस में लड़ाई भी किया जा रहा है, कई ऐसे जो मुकदमे भी वहाँ पे दर्ज है हमने देखा। हमारे साथ और भी समाज सेवी हम जानते हैं, देख रहे हैं आप अतिक्रमण हो रहा है मुक्ति धामों में कब्रिस्तानों में, तो इसको कैसे देखते हैं आप? अतिक्रमण एक बहुत ही ज्वलंत समस्या प्रतीत हो रही है और जितने भी अतिक्रमण हैं उनकी शिकायत और वो समझ में संबंधित राजस्व विभाग के संज्ञान में है,
लेकिन कहीं ना कहीं जब उसमें कार्रवाई नहीं हो रही तो ऐसा लगता है कि राजस्व विभाग की संबंधित अधिकारियों की मिली भगत से ये अतिक्रमण हो रहा है। अभी साथियों ने मुक्ति धाम पे अतिक्रमण की बात बताई, मैं आपको बता दूं कि घुघरी के एक सलवार ग्राम है जहां पर शासकीय बिल्डिंग बननी चाहिए थी, वहां पर सीएम राइस स्कूल सैंक्शन हुआ था, लेकिन ऐसी सार्वजनिक उपयोग के स्थानों पे लोग कब्जा करके मकान बना के बेच रहे हैं। प्रशासन और संबंधित विभाग के नॉलेज में है लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। वहां पर सीएम राइस स्कूल वहां से दूसरे अन्यत्र गांव में चला गया। इसी तरह से मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रत्येक गांव में जो रास्ते हैं, रास्ते के ऊपर अतिक्रमण किए जा रहे हैं। आज एम्बुलेंस की सुविधाएं, ये सुविधाएं का लाभ जो है ग्रामीण नहीं ले पा रहे हैं, रास्ते चौड़ी नहीं है। कृष्णा, लोगों से थोड़ा इस पर भी पूछेगा, एक सवाल ये भी है कि आखिर क्या जो सरकारी रिकॉर्ड है उसमें क्या तय नहीं, उसमें क्या क्लियर नहीं कि शमशान की या फिर मरघट की या फिर जो भूमि है इस तरह की, उस कितनी जमीन है और वर्तमान में क्या स्थिति है, और अगर अतिक्रमण हुआ है तो फिर उसे खाली कराने के प्रयास क्यों नहीं हो रहे? जी बिल्कुल, मैं पूछता हूँ जो सरकारी दस्तावेज है कागज उनमें जो क्या कब्रिस्तान के जो चिन्हित नहीं है, कितना नहीं है? देखिए 1995 में जो वक्फ एक्ट बना था उस टाइम में ये प्रॉपर्टी जो है नोटिफाइड हो चुकी थी और दस्तावेज है हमारे पास, लेकिन उसके बावजूद ही बहुत तेज अतिक्रमण हो रहा है। पिछले 5-6 सालों से हमने कुछ रोका हुआ है अपने बल पे, लेकिन इसमें प्रशासन गवर्नमेंट कोई ध्यान नहीं दे रही। हमने बार बार, और इसी तारतम्य बताऊं कि कब्रिस्तान के मेन गेट के बाजू में एक प्राचीन मुगल कालीन बावली है जिसके लिए हमें 7.5 लाख रुपए आज से 2-3 साल पहले 14 वित्त से सैंक्शन हुआ था उसके जीर्णोद्धार के लिए, लेकिन वो निर्माण कार्य इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि उसकी मुढ़ेर पे, बावली की मुढ़ेर पे एक बहुत बड़ा अतिक्रमण है, और जब वो अतिक्रमण जब हम अलग करवाएंगे या गवर्नमेंट अलग कराएगी तब वहाँ पर पुनर्निर्माण होगा बावली का, जीर्णोद्धार होगा। जी, अधिकारियों से शिकायतें नहीं की आपने बोले मिले नहीं? मेरे पास सारी शिकायतों की ओसी रखी हुई है, फोटोकॉपी ओसी सारी रखी हुई है मेरे पास। ठीक है, लगातार वो शिकायतें कर रहे हैं लेकिन अभी तक हुआ कुछ नहीं है। आलम यह है कि जो हम बिछिया की बात कर रहे थे, बिछिया बिल्कुल वाकई शिकायत के बावजूद भी अगर हम कहें तो शमशान की भूमि या फिर ऐसी जगहों की भूमि से अवैध कब्जा नहीं हटाया गया है, जो कि वाकई एक परेशानी का सबब लोगों के लिए बन गया है। बहुत शुक्रिया कृष्णा आपका इस पूरी बातचीत के लिए, जानकारी के लिए। और इसके साथ ही अलार्म में बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर लगातार जारी है।